वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग हो रहा है 9:30 से स्टार्ट। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए देहरादून वापस। हमारा टाइम आ चुका है वापस जाने का और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि 10 दिन हो गए थे हम लोगों घर पे, तो बहुत ज़्यादा मन जाए। 10 दिन का पता ही नहीं चला कैसे बीत गए वो दिन। और पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है, बाकी थोड़े बहुत बैग बचे मेरे हैं, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। गाड़ी फुल भर चुकी है, जैसे ऊपर को थी उससे डबल नीचे को भर गई, क्योंकि सेब ही आ रहा है इस वाले जाने को काफ़ी, क्योंकि अब सेब सीजन खत्म हो गया है तो उसके बाद सेब नहीं मिलेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो चलते हैं ऊपर, अनाशा उसका वेट कर रहे हैं और हमको टाइम से निकलना पड़ेगा। कल अनाशा का स्कूल है, जिससे थोड़ा रेस्ट हो जाए उसको, टाइम से निकल पहुँच जाए, मतलब 6-7 बजे तक पहुँच ही जाए। इतना हुआ है कि जाम ना लगे, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ से शिमला से सोलन तक, तो वहाँ से तो नहीं होता ट्रैफिक। तो चलिए चलते हैं और अपने घर को विदा लेते अपने घर से। और बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि होता है तुम लोग घर से, मम्मी भी वैसा शिमला तक आ रहे हैं क्योंकि उनके मामा जी बीमार हैं, तो मम्मी को शिमला तक आ रहे, थोड़ा मतलब मम्मी हो गए यहाँ सा शिमला तक। तो उसके बाद हम अब अपने रास्ते चले जाएंगे। जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग घर जा रहे हैं, और जब वापिस जाते हैं तो फिर थोड़ा डाउन होता है फेस, तो बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। सबके साथ बहुत मज़े आते, मतलब हम लोग ना बहुत मतलब 10-10-11 बजे तक बातें करते थे। कल भी हम लोग 11 बजे सोए, तो मम्मी पापा को भी अच्छा नहीं लगता जब हम लोग जाते, जब जाते तो खुश हो जाते, जब जाते तो किसी को अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी जो होती है, लाइक फिर से वही स्कूल वाली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। अभी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा आराम हो गया, सच में बोल रहे थे कि ऑफिस वाली फिर से वही ऑफिस के लिए उठो फिर जाओ वो सो। तो चलिए क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही, अनशा का स्कूल है ऑफिस है, ऐसे तो छुट्टी नहीं रह सकते, फिर आएंगे घर आते जाते रहेंगे। तो फटाफट से थोड़ी बहुत पैकिंग रही है, मैं उसको कर लेती हूँ फिर आपसे। हम लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी पापा सचिन सब चल पड़े, और मेरे पास ये है अनशा का कैरम बोर्ड और एक फ़ोटोज़ है हमारी शादी की, उसको मैं फ्रेम करवाने के लिए जा रही हूँ। तो सब चल पड़े हैं, बहुत सारा सामान है, मतलब सामान था ले गए। और ये देखिए मम्मी वगैरह सब चल पड़े छोड़ने, अनशा की खुशी जाने के लिए भी खुश होती है ना, जाने के लिए भी खुश होती है। इसका तो ठीक है, मम्मी सचिन सब चल पड़े। अनशा हाथ क्यों उठा रहा है? हाँ सचिन, ये भी मैं फोटो पकड़ो मुड़ना चाहे जो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? So back to Dehradun, but feeling Dehradun से घर आते हैं ना बहुत excitement होती है, but जब ना घर से Dehradun जाते हैं या कहीं भी घर से जाते हैं बहुत मन ही नहीं करता, feeling तो मेरे तो आलस फैला रहा, feeling bad, very bad, very bad, कुल्ली बनने के लिए मेरे को तीन bad कुल्ली, ऐसे हम लोग तो कहीं tourist में वहाँ जा रहे होते। आपने सेब भरे है उसमें? सेब है, बैग है, सामान, सेब की रेडी लगानी है मुझे, सेब की रेडी लगाऊंगा। 50 रुपए किलो, 50 रुपए 400 सस्ता है यार, 250 रुपए किलो है सेब। देखो टमाटर का पेड़ सच में, हाँ तो लगने वाले हैं ताऊ की टमाटर, नीचे को लगे कहाँ पे, ये देखिए सेब के बगीचे, और ये देखिए इतना सुंदर सा व्यू। हमारी गाड़ी क्या चकाचक भरी हुई है, ये हमारे ड्राइवर साहब, और यहाँ पे मम्मी पापा वहाँ कुछ छोड़ने आए हुए। बाय पापा, बाय करो, क्या बनाओ, बाय तो तेल डालना, पापा का तेल ही पिघल जाएगा ऊपर, बाय। तो हम चल पड़े हैं यहाँ से जय भगवान जी। ये तो देखो यहाँ हमारा जंगल देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है, और रोड देखिए नालों से रोड जाता है, खतरनाक रोड है हमारा, खतरनाक रोड, यहाँ से भी रास्ता जाता है, शॉर्टकट रास्ता है, हम स्कूल जाते थे, हाँ ये रास्ता शॉर्टकट है। मेरी मम्मा यहाँ से स्कूल जाती थी, मम्मा नहीं पापा जाते थे, मम्मा नहीं पापा जाते थे, आप तो दूसरे रास्ते से जाते थे, तो स्कूल में जाते थे ना, मम्मा जाती थी ऊपर द्वार पे। और ये वाला जो ये जो मलवा आता है ना, सिली घास आता है ना, ये
हमेशा रोड हमारा ब्लॉक हो जाता है हर बरसात में। ये मतलब 10 बार बनाना पड़ता होगा ये बरसात में, क्योंकि नाले जो जो नाला है रोड से जाता है। और मम्मी पापा चले गए, ये देखिए कितना लगा हुआ है। यहाँ से नहीं देखेंगे हमारा घर, ये वाला जो रेड और ग्रीन वाला है, ये हमारे गांव है। कितना खूबसूरत सा व्यू है हमारे सामने, हमें सड़क से दिख रहा है हमारा घर। और मम्मी पापा भी दिखी नहीं रहे कहाँ पहुंचे। ये देखिए हमारा घर का कॉमड़ी, ये जो कॉमड़ी दिख रही है ना, हाँ, तो चलिए बाय बाय कॉमड़ी। देखिए सेब मतलब खाली हो चुके हैं, डंडे से दिख रहे हैं सिर्फ। ये बांस के डंडे हैं जो नेट के लिए लगाए होते हैं, तो ये नेट निकल गया और बांस के डंडे हमेशा ऐसे लगे रहेंगे। और ये खूबसूरत सा व्यू, मम्मी पापा दिखी नहीं रहे, चलो हम लोग पहुंच चुके हैं ठेऊक। और ठेऊक मम्मी को थोड़ा बहुत काम था, मम्मी हमारे साथ आ रहे हैं, हम सिलेंडर की पर्ची कटती है, तो वहाँ तक आए मम्मी के साथ। और जहाँ पे आए वो पटेटो कोने, जहाँ पे वो लगता है मेला लगता है 15-16 अगस्त का, तो अभी इस पार्किंग बना देते हैं और 2-3 दिन ही खाली हो जाता है। और उसका शॉप्स लगती है, इसमें 1 महीने तक पूरा ये बुक होता है। पटेटो ग्राउंड, नेहरू ग्राउंड का नाम भी दिया है इसको। और ये जो ग्राउंड है उसके साथ स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है 5th तक। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा था पहले, बहुत ज़्यादा अलग था पहले। अब तो बिल्कुल जंगला वगैरह कवर कर दिया है इसको चारों तरफ से, पहले तो ओपन होता था हर टाइम। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्कूल कैसा था, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, 2 साल गाँव में पढ़ी, उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ, स्कूल जो है, मेरी एजुकेशन हुई है। ये देखिए और ये स्टेयर लगी हुई है, हम लोग यहाँ पे खेला करते जब हम लोग बच्चे होते थे। और ये देखिए ये जो पार्किंग बना दी है अभी, जो ग्राउंड है ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसमें ना पार्किंग बना दी है। ये देखिए कितना खुला डुला ग्राउंड है। और यहाँ हम लोग 15 अगस्त का मेला यहाँ पे स्टेयर पे देखते, स्टेयर पे देख के बैठ के देखते थे, वहाँ पे लगता है आगे जाके मेला, स्टेज होता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो जज वगैरह आते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, ये जो लेंटर्स है, और यहाँ पे लोग बैठते हैं। और ये देखिए पूरा कवर कर दिया है स्कूल को। और ये जो ये वाला रोड है, ये बाजार वाला साइड से जाता है, वो छैला वाला रोड है। और ये जो ठेऊक संधु वाला रोड है, ये वाला वो है। खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से। फ्रेंड्स हम लोग हैं छराबड़ा की उतराई में और यहाँ पे लग चुका है जाम। और ये देखिए आप, ये दोनों माँ बेटियाँ सो चुकी है, इनके मज़े हैं दोनों के। एक साइड का जाम खुल चुका है शायद, अभी तक तो एक, अब शायद खुल चुका है जाम। 15 मिनट हो चुके हैं हमें यहीं पे, हाँ अब खुल गया है। तो यहाँ पे देखिए फौजी लोग, फौजी भाई जा रहे हैं हमारे, देखिए अब खुला है जाम। फिर से मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है ये तो। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ से हमारे साथ यही तक है, क्योंकि यहाँ से मोबाइल जिम से जाना है। तो ये मम्मी बाय, फोन करना पे कर नीचे पहुंचे, बात करना मैं से ना आराम से आना ऊपर। तो मम्मी यहाँ चलेगा, हम लोग जाम में पूरे 1 घंटे फंसे। तो मम्मी यहाँ चलेगा, एजेंसी का रोड जाता है, पैदल रोड है, गाड़ी भी जाती है। तो मम्मी यहाँ पे एजेंसी आए क्योंकि मामा जी बीमार है, इस वजह से आए हैं, विंडो बंद कर रहे हैं जाम बहुत लंबा लगा हुआ था। तो फाइनल निकल चुके, जितनी जल्दी घर से आया उतना ज्यादा लेट हो गया हम लोग। शिमला में कुछ ना मिले तो जाम हमेशा मिलता है शिमला में, ये तो खासियत है शिमला, इसके लिए मशहूर है जाम के लिए। शिमला से एक बार आई एस मिट्टी क्रॉस हो गया ना शिमला का, बस उसके बाद जाम नहीं होगा ना।
सोलन में होता तो है बस कम सम होता है। सोलन में नहीं होता। सोलन में होता है। और ऐसे सो के थार कहाँ जा रहा है यहाँ पे? या थार की रैली जा रही है। दो तीन रैली कैसे? थार वाले जा रहे हैं कि राहुल से मिलने का जा रहा है। तो चलिए तो आप भी चीजें मिलते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। पहले शिमला क्रॉस कर लेते तो कल में रास्ते में ना ये सब टोली है बैक टू सेम व्लॉग। तो हम लोग कल शाम को पहुंच चुके थे, इसका मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मैंने साथ डिनर वगैरह बनाया। 8 बजे पहुंच गए थे और आज अनश को स्कूल छोड़ा है और अनश की अपनी छुट्टी है। तो अभी मैं 10 दिन के बाद आया तो रूम बनता था, तो सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा था। तो अब फेस्टिवल भी आने वाले तो वजह से मैंने सोचा क्या सफाई के लिए छुट्टी का दिन भी है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो ये सारा साफ़ कर दिया, ये वाला एरिया पूरा क्लीन कर दिया। फ्लावर अंदर के हार ऐसे पड़े हैं, अभी बुरे हाल है पूरे कमरे के। ये देखिए मैंने सोफे कवरे भी निकाल दिए, मैं सोच रही हूँ उसको भी धो लेती हूँ और हाथ के साथ ही करूँ। सरफ में डिप करके रखी हुई है मैंने बाल्टी में। और ये भी मैंने पोछा लगाना है, कर्टन एक रूम के धो लूँ फिर दूसरे रूम के बाद में धोगी। और ये मशीन लगाई हुई है और अंदर डिप करके रखे हुए हैं मैंने बाल्टी में। और ये वाली बेडशीट भी मैंने उतार दी है। और ये बहुत कमरा मैसी पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकती क्योंकि और देखिए नीचे फ्लोर में बाहर ना साफ़ करे तो पानी गिर रहा है फ्लोर से। और किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, थोड़ा बहुत बस रहा है मेरे बर्तन वॉश करने का। और आज धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छा। ये देखिए इसमें सेब लेके आए थे हम लोग कट्टे में, मैंने उसको वॉश कर लिया है। थोड़े सेब ना मैंने फैला के रख दिए है अंदर कमरे में। और प्लांट बिल्कुल हरे भरे हैं, ख़राब कोई प्लांट नहीं हुआ, बस एक पत्ता इसका ख़राब हुआ है। ये देखिए तो चलिए करते हैं फटाफट से सफाई और उसके बाद मुझे अनशा को लेने भी जाना है। गाइस सुबह से शाम हो गई तो अब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम लगा उस काम में, फटाफट से काम क्योंकि अनशा को लेने का टाइम हो जाता है जल्दी से। और आधा काम मेरा रह ही गया अनशा को लाने के बिना, फिर बाकी काम करे। और इतनी ज़्यादा थकान हो रही है ना, मतलब रेस्ट आज थोड़ा मतलब दिन को कर रहा थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कपड़े कपड़े सारे वॉश हो गए। और मैंने देखिए मैंने सोफा कवर बिछा भी दी है, बहुत चमक रही है, धो के ना थोड़ा शाइन मार। नहीं स्कूल कैसे रहा आपका? अच्छा, देखो मैंने वही नहीं शुरू कैजुअल पे थी आज। तो अभी रात होगी है और व्लॉग भी चला हुआ है कल से लेकर, तो व्लॉग अभी एंड करूँगी। तो होपफुली आपको अब गाँव के व्लॉग पसंद आए होंगे। अब इसके बाद फिर से रूटीन होगी देहरादून के व्लॉग की, तो इतने ज़्यादा प्यार देना इतना आपके गांव के व्लॉग में भी दिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।